नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर हिस्टोरियोग्राफी एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी में। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित सिकंदर के आक्रमण एवं उसके परिणाम। लेकिन उसके पहले हर बार की तरह मैं आपसे अपील करूंगा कि आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें, जिससे आपको जो नए नए टॉपिक्स आएंगे जिन उनका आपको पता चलता रहे। साथ ही साथ आपकी जो अगर कोई विशेष शिक्षा हो कि किसी विशेष टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं प्रयास करूंगा कि उस पर वीडियो बना के डालूं। दोस्तों, सिकंदर के आक्रमण के समय पश्चिमोत्तर भारत की राजनीतिक दशा लगभग वैसी ही थी जैसी कि ईरानी आक्रमण के समय थी। देश का यह भाग अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था, जिनमें से कुछ राज्यों में गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी और कुछ राज्यों में राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी, और ये सभी राज्य आपस में ईर्ष्या और द्वेष से ग्रस्त रहते थे और इनमें परस्पर झगड़े होते रहते थे, और यही कारण था कि जो इनमें एकता का अभाव ही इनके पतन का कारण बना। अगर हम यूनानी लेखकों की बात माने तो उस समय लगभग उन्होंने 23 से भी अधिक राज्यों की गिनती कराई है जो कि सीमांत प्रदेशों में थे, पश्चिमी व पूर्वी गंधार, अभिसार, पूर्व कठ, सौभूति, शिव, क्षुद्रक, मालव, अम्बष्ट, मद्र इत्यादि 23 राज्यों के बारे में यूनानी इतिहासकारों ने हमें बताया है। मित्रों, चौथी शताब्दी ईस्वी पूर्व में यूनान के इतिहास में एक महान योद्धा ने जन्म लिया, अलेक्जेंडर ने। यूनान के मेसिडोनिया प्रांत में, जिसे हिंदी में मकदूनिया कहते हैं, एक साम्राज्य का उदय हुआ और वहां के राजा फिलिप ने यूनान के छोटे छोटे अनेक राजाओं को पराजित किया और पराजित करके उनको अपने साम्राज्य में मिला लिया। फिलिप का पुत्र अलेक्जेंडर, जिसे हम सिकंदर के नाम से जानते हैं, वह बहुत ही महत्वाकांक्षी था और उसका राज्यारोहण लगभग 328 ईस्वी पूर्व में हुआ, और राज्यारोहण के बाद सिकंदर ने विश्व विजय का अभियान प्रारंभ किया। मित्रों, मकदूनिया के सैनिकों ने विशाल और संगठित सेना के साथ पश्चिमी एशिया और मिस्र को जीता। उसके बाद सिकंदर ने ईरानी साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया और वहां के हखमानी शासक दारा तृतीय को परास्त कर ईरान को अपने अधिकार में कर लिया। तदोपरांत वह ईरानी शक्ति को नष्ट करने के उपरांत आगे बढ़ा और हिंदू कुश के दक्षिण में उतरकर उसने भारत वर्ष पर आक्रमण करने की तैयारी प्रारंभ कर दी। तो मित्रों, सिकंदर का आक्रमण भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांतों पर 327 ईस्वी पूर्व में हुआ। यद्यपि उत्तर पश्चिमी भारत आगे चलकर महान मगध साम्राज्य का अंग बन गया, फिर भी सिकंदर के आक्रमण के समय वह ईरान के एकेमेनिड साम्राज्य का अंग था। दोस्तों, उत्तर पश्चिमी भारत छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से ही शेष भारत से कटा हुआ था। गंधार, कंबोज, मद्र जैसे अनेक छोटे छोटे राज्य उत्तर पश्चिम प्रांतों में थे जो कि आपस में लड़ा करते थे, जैसा मैंने अभी प्रारंभ में कहा, और मगध जैसा कोई शक्तिशाली राज्य नहीं था जो उन्हें संगठित कर सकता। ईरानी शासक दाराय बहु, जिसे डेरियस के नाम से भी जानते हैं, दाराय बहु प्रथम ने इस राजनीतिक फूट का फायदा उठाकर 516 ईस्वी के पूर्व के आसपास
पंजाब तथा सिंधु नदी के पश्चिम के इलाके और सिंध को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। यह क्षेत्र फारस का बीसवां प्रांत या क्षत्रपी बन गया, जो कि फारस का आप कह सकते हैं कि सर्वाधिक प्रांत बन गया। इसकी गिनती भारत के सर्वाधिक समृद्ध प्रांतों में होने लगी। उत्तर पश्चिमी भारत पर फारस का आधिपत्य लगभग 330 ईसवी पूर्व में मकदूनिया के सिकंदर द्वारा फारस को जीत लिए जाने के साथ समाप्त हो गया। फारस का मतलब, जिसे आजकल हम लोग ईरान कहते हैं, उसे पहले फारस कहा जाता था, ईरान उसका आधुनिक नाम है। तो फारस को 330 ईसवी पूर्व में मैसिडोनिया या मकदूनिया के शासक सिकंदर ने विजित कर लिया। और तो इस तरह से जो है हम ये कह सकते हैं कि अब वह यूनानियों के अधीन हो गया, जो कि पहले फारस के अधीन था। इसके तत्काल बाद ही उत्तर पश्चिमी भारत में भी सिकंदर उत्तर पश्चिमी भारत ने भी सिकंदर का सामना किया और उसके सामने घुटने टेक दिए। अब हम थोड़े से बात करेंगे सिकंदर के आक्रमण के कारण क्या थे, सिकंदर ने क्यों भारत के ऊपर आक्रमण किया। तो जहां तक सिकंदर के आक्रमण के कारणों का संबंध है, सर्वप्रथम कारण था भारतीय वैभव के प्रति आकर्षण। हेरोडोटस, जिसे इतिहास का पिता कहा जाता है, तथा अन्य यूनानी लेखकों ने भारत का वर्णन अपार वैभव वाले देश के रूप में किया था, एवं इस वर्णन को पढ़कर सिकंदर भारत पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित हुआ। तो भारत का अपार वैभव, भारत की समृद्धि सदैव से ही विदेशी आक्रमणकारियों को आकर्षित करता रहा है, और यही बात सिकंदर के समय में भी थी। तो सिकंदर अपनी विजय सूची में लोक विशुद्ध भारत भूमि का नाम जोड़ना चाहता था। भारत पर आक्रमण का दूसरा कारण था सिकंदर में भौगोलिक अन्वेषण एवं प्राकृतिक इतिहास के प्रति एक तीव्र ललक थी। उसने सुन रखा था कि भारत की पूर्वी सीमा पर कैस्पियन सागर ही फैला हुआ है। वह डेरियस के धूर पूर्वी भागों तक पहुंचकर सागर की समस्या का हल करना चाहता था, जिसकी सीमाएं यूनानी भूगोल वेत्ताओं को हमेशा से चक्कर में डालती रहती थी। तीसरा कारण यह था कि सिकंदर अपने पूर्ववर्ती विजेताओं की शानदार उपलब्धियों का अनुकरण कर उनसे भी बहुत आगे निकल जाना चाहता था, वह विश्व विजेता बनना चाहता था। तो इसलिए भी उसने भारत पे आक्रमण किया। तो उपरोक्त कारणों के अलावा उत्तर पश्चिमी भारत की राजनीतिक स्थिति भी उसकी योजना के लिए उपयुक्त थी, यानी कि उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति, जैसा कि मैंने कहा कि ये राज्य आपसी फूट ईर्ष्या में डूबे हुए थे, तो ऐसे समय में किसी भी विदेशी आक्रमणकारी के लिए यह परिस्थितियां अनुकूल थी। यह क्षेत्र स्वतंत्र राज्यों और कबीलाई गणराज्यों में बंटा हुआ था, जो अपनी भूमि से घनिष्ठ रूप से बंधे हुए थे। मित्रों, जिन रजवाड़ों का उन पर शासन था, उनसे उन्हें बड़ा गहरा प्रेम था। सिकंदर ने पाया कि इन छोटे छोटे राज्यों को एक एक करके जीत लेना आसान होगा। तो इन छोटे रजवाड़ों के ने सिकंदर की तपी तपाई सेना के विरुद्ध अभूतपूर्व वीरता का परिचय दिया, किंतु उन्हें पराजय और नरसंहार जैसे नृशंस परिणाम भुगतने पड़े। इन इलाकों में दो शासक सुविख्यात थे, पहला तक्षशिला का शासक था आम्ही, और दूसरा झेलम एवं चिनाब के बीच स्थित राज्य का शासक
पौरव, जिसे हम पोरस के नाम से जानते हैं, पौरव राज यानी पोरस, दोनों एक साथ मिलकर सिकंदर के विरुद्ध संयुक्त मोर्चा बना सकते थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, ऐसा संभव नहीं हुआ। सिकंदर ने खैबर दर्रा पार कर सर्वप्रथम आंभी को घुटने टेकने पर मजबूर किया। उसके बाद सिकंदर का पोरस से झेलम का सुप्रसिद्ध युद्ध हुआ, जिसमें पोरस ने बहुत ही बहादुरी और प्रशंसनीय वीरता के साथ सिकंदर जैसे महान योद्धा विश्व विजेता का मुकाबला किया, लेकिन दुर्भाग्यवश वह परास्त हुआ। सिकंदर पोरस के साहस से बहुत प्रभावित हुआ और उसने पोरस को अपना मित्र बना लिया। तो अब इसके बारे में बहुत सारी कहानियां भी कही जाती हैं कि पोरस जब हार गया तो उसके हारने के बाद उसे सिकंदर के सामने प्रस्तुत किया गया और उससे ये कहा गया कि आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाए। तो पोरस ने यह कहा कि जिस प्रकार का व्यवहार एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है, तो उसकी इस बात से सिकंदर बहुत प्रभावित हुआ। तो इस तरह से पोरस से उसने मित्रता कर ली सिकंदर ने, और मित्रता करने के उपरांत उसका राज्य उसे वापस कर दिया। उसके बाद सिकंदर ब्यास नदी तक आगे बढ़ गया और आगे पूर्व की ओर बढ़ने से उसके सैनिकों ने इनकार कर दिया। यूनानी सैनिकों के इस इनकार का कारण था थकान तथा बीमारी। यूनानी सैनिक बहुत दिनों से अपने घर से बाहर निकले हुए थे और एक के बाद एक राज्य जीतते हुए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन कभी कभी परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती हैं। बार बार एक जगह से दूसरी जगह जाने में क्लाइमेट भी चेंज होता है, वातावरण में परिवर्तन आता है, तो और वहां पर वहां के हिसाब से अपने आप को सैनिकों को ढालना पड़ता था। तो इस तरह से बहुत सारे जो सैनिक थे वो थकान से ग्रस्त हो गए थे और बीमारी से ग्रस्त हो गए थे। भारत की गर्म जलवायु तथा 10 साल तक लगातार विजय अभियान में लगे रहने के कारण सिकंदर के जो सैनिक थे वो अपने घर लौटने के लिए व्याकुल थे। वो अपने घर लौट जाना चाहते थे, किसी भी तरीके से वो आगे नहीं बढ़ना चाहते थे। सिकंदर के सैनिकों को सिंधु नदी के तट पर भारतीय वीरता का, भारतीय साहस का आभास मिल गया था। जब उन्होंने पोरस से लड़ाई की थी तो उनको ये लगा था कि और भी ऐसे बहुत सारे शासक होंगे पोरस की तरह, जो कि जिनकी बहादुरी का, जिनकी वीरता का, जिनके शौर्य का सामना उन्हें करना पड़ सकता है। तो इसलिए उन्होंने और आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। उनकी बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी कि वो और भी आगे बढ़े। संभवतः शक्तिशाली नंदों, जिनकी सेना सिकंदर की सेना से बड़ी थी, उनका भय सिकंदर के सैनिकों को आगे बढ़ने से रोक रहा था। नंद की जो का जो राज्य था वो बहुत विशाल था, उसकी सेना बहुत विशाल थी, और उसके बारे में जो बातें सुनाई पड़ती थी यूनानियों को अपने स्रोतों के द्वारा, अपने गुप्तचरों के द्वारा, अपने सूचनादाताओं के द्वारा, तो उससे जो सिकंदर के सैनिक थे वो भयभीत थे। एरियन ने लिखा है कि जो भारतीय लोग थे वो युद्ध कला में अन्य जनगणों की अपेक्षा श्रेष्ठ थे। यानी सिकंदर ने जहाँ जहाँ भी युद्ध अभियान किए थे तो उनमें जो भारतीय थे वो युद्ध कला में सर्वश्रेष्ठ थे। सिकंदर की निरंतर मिन्नतों और सिकंदर द्वारा जो है बार बार अपने सैनिकों का साहस बढ़ाए जाने के बाद भी उसके सैनिक टस से मस नहीं हुए, तो उसने बड़े दुख भरे स्वर में कहा कि मैं उन दिलों में उत्साह भरना चाहता हूँ जो निष्ठाहीन और कायरतापूर्ण डर से दबे हुए हैं। अंततः सिकंदर को वापस लौटना पड़ा। वह भारत में लगभग 19 महीने रहा, जिस दौरान वह निरंतर युद्धों में ही व्यस्त रहा। मित्रों, सिकंदर सदैव
कहा करता था कि मुझे उस सेना से डर नहीं लगता जिस सेना में शेर भरे हों लेकिन उनका जो नेता हो वो गीदड़ हो। यानी कि अगर शेरों का नेतृत्व तो गीदड़ करेगा तो उस सेना से सिकंदर को भय नहीं लगता था। सिकंदर कहता था कि अगर गीदड़ों की भी सेना है और उनका नेतृत्व तो कोई शेर कर रहा है तो उससे मुझे भय लगता है। तो इस बात से आप समझ सकते हैं कि कितनी गहराई से वो सोचता था युद्ध के बारे में, और वीरों का सम्मान करना जानता था। इसलिए पौरव के केस में, पौरव के मामले में हम देख चुके हैं भारत में विजित प्रांतों पर शासन करने के लिए सिकंदर कई राज्यपालों को छोड़ गया था, पर यहां से विदा होने के तत्काल बाद उसकी मृत्यु हो गई रास्ते में ही। और इससे एक ऐसी अव्यवस्था उत्पन्न हो गई कि उसके राज्यपाल भारत छोड़कर पश्चिम में अपनी तकदीर आजमाने लगे, अपने भाग्य की परीक्षा करने लगे। जहां तक सिकंदर के आक्रमण के परिणाम अथवा महत्व का संबंध है, उसका सर्वाधिक महत्व इस बात में निहित है कि वह अपने साथ कुछ ऐसे यूनानियों को लाया था जिन्होंने भारत के विषय में अपने विचारों को लिपिबद्ध किया, जिन्होंने भारत की सभ्यता और संस्कृति का अध्ययन किया और भारत की भूगोल का अध्ययन किया और यहाँ के रीत रिवाज संस्कृति का अध्ययन किया और उनको लिपिबद्ध किया। और वे इस बात पर प्रकाश डालने की दृष्टि से मूल्यवान है कि प्राचीन भारत में भारत की स्थिति कैसी थी। उन्होंने भारत के जो ऊपर जो अभियान किया गया था सिकंदर का, तो उसका इतिहास उन्होंने तिथिक्रम के हिसाब से लिखा है। तो इससे भी जो है हमें बाद की घटनाओं का, जो बाद की घटनाएं हुई उनका कालक्रम निश्चित करने में मदद मिलती है और उनका आधार तैयार करने में हमें सहायता मिलती है। तो यूनानी स्रोतों से पता चलता है कि उत्तर पश्चिमी भारत में अब भी कुछ अनार्य प्रथाएं प्रचलित थीं। कर्मकांडीय आर्य जो थे या आर्यों का जो धर्म था वो पूर्व की ओर फैला तथा उत्तर पश्चिमी क्षेत्र उन विदेशियों के साथ संपर्क के लिए मुक्त रह गया जो म्लेच्छ समझे जाते थे। भारत के लोग विदेशियों को म्लेच्छ कहते थे, उनको यह दृष्टि से देखते थे। प्रजातंत्रों की बार बार आने वाली चर्चा से यह ज्ञात होता है कि यह प्रणाली मगध साम्राज्य के बावजूद उस समय भी काफी हद तक प्रचलित थी। तो सिकंदर के इतिहासकार हमें सती प्रथा, गरीब माँ बाप द्वारा लड़कियों को बेचने और उत्तर पश्चिमी भारत के उत्तम नस्ल वाले बैलों के बारे में बताते हैं। बहुत सारे उद्योगों और व्यवसायों के बारे में भी यूनानी इतिहासकार हमें सूचना देते हैं, जैसे बढ़ई गिरी, दस्तकारी जैसे आर्थिक क्रियाकलापों की जानकारी भी हमें मिलती है। सिकंदर के आक्रमण ने प्राचीन यूरोप को प्राचीन भारत के संपर्क में आने का एक अवसर प्रदान किया। भारत एवं यूनान के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सीधे संपर्क की स्थापना हुई। सिकंदर के अभियानों ने चार भिन्न थल एवं समुद्री मार्गों के द्वार खोले। उसने यूनानी सौदागरों, व्यापारियों, शिल्पकारों के लिए मार्ग प्रशस्त किया तथा व्यापार की तत्कालीन सुविधाओं को भी बढ़ाने में वह मददगार साबित हुआ। सिकंदर ने पंजाब में अनेक यूनानी बस्तियां बसाई, ऐसा कहा जाता है, किंतु उनमें से कोई भी नगरों के रूप में आज शेष नहीं है, शेष बची नहीं है। और
प्रमुख बस्तियां थी काबुल के क्षेत्र में सिकंदरिया शहर, झेलम के तट पर बुकेफाल और सिंध में सिकंदरिया। संभवतः यूनानी नागरिक पड़ोस के नगरों में चले गए और उत्तर पश्चिम में भ्रमणशील यूनानी जनसंख्या का अंग बन गए। यूनान की मुख्य भूमि से चलकर यूनानी सेना भारत पहुंची एवं इस प्रकार उसने अफगानिस्तान तथा ईरान होते हुए एशिया माइनर से और पूर्वी भूमध्य सागर के किनारे बसे बंदरगाहों से उत्तर पश्चिमी भारत तक अनेक व्यापारिक मार्ग खोल दिए और उन्हें उपयोगी बना दिया। इससे पूर्व पश्चिम व्यापार में वृद्धि हुई और निस्संदेह इसमें भारत स्थित यूनानियों का सहयोग अवश्य रहा होगा। तो उत्तर पश्चिम के छोटे राज्यों की सत्ता नष्ट करके सिकंदर के आक्रमण ने उस क्षेत्र में राजनीतिक खोखलापन पैदा कर दिया और उस क्षेत्र में मौर्य साम्राज्य के विस्तार का मार्ग प्रशस्त किया। चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि उस समय प्रयास कर रहा था मगध साम्राज्य के नवनिर्माण की, वह चाहता था कि नंदवंश को समाप्त करके एक नए मगध राज्य के उत्कर्ष के लिए वह प्रयत्नशील था अपने गुरु चाणक्य की प्रेरणा से। चंद्रगुप्त मौर्य ने, जिसने संभवतः सिकंदर के सैन्य तंत्र की कार्य प्रणाली की थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त कर रखी थी और उसको उसने बड़े नजदीक से देखा भी था, तो चंद्रगुप्त ने इस स्थिति से पूरा पूरा लाभ उठाया और इन छोटे छोटे राज्यों को मौर्य साम्राज्य में उसने मिला लिया। तो मित्रों, तो इस तरह से मतलब हम ये देखते हैं कि जो सिकंदर का आक्रमण था, सिकंदर का आक्रमण कई मायनों में महत्वपूर्ण था, न केवल राजनीतिक रूप से बल्कि आर्थिक रूप से भी सिकंदर का आक्रमण बहुत ही लाभप्रद सिद्ध हुआ और साथ ही साथ आर्थिक के अलावा सांस्कृतिक रूप से भी भारत और यूनान के जो संस्कृतियां थी उनमें आपस में मेल जोल हुआ। 19 महीने तक वो भारत में रहा लेकिन यहाँ के सांस्कृतिक जीवन से उसका हालांकि कोई विशेष संपर्क नहीं हुआ, उसने केवल पश्चिम उत्तर भारत को जीता था और भारत का जो मध्य भाग था, जिसे हम कह सकते हैं कि भारत का जो हृदय भाग था, वो अछूता रह बच गया था। तो भी सिकंदर को भारत छोड़ने के पहले उसके विरुद्ध विद्रोह भी आरंभ हो गए थे और उसके जाने के बाद पश्चिमोत्तर भारत पर, जैसा कि मैंने बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अधिकार कर लिया, तो ये सिकंदर के आक्रमण की तिथि ने, जैसा कि मैंने अभी ऊपर आपको बताया कि भारतीय इतिहास, प्राचीन भारतीय इतिहास में तिथि क्रम की समस्या को सुलझाने में बहुत मदद की और साथ ही साथ जो यूनानी इतिहासकार थे उनसे हमें बहुत सारे भौगोलिक विवरण भी प्राप्त होते हैं और तत्कालीन भारतीय समाज और संस्कृति के विषय में भी जानकारी प्राप्त होती है, आर्थिक स्थिति के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। भारत पर सिकंदर के आक्रमण का कोई बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। विंसेंट स्मिथ का यह कहना है कि भारत अपरिवर्तित रहा, युद्ध के घाव शीघ्र ही भर गए और भारत का यवनीकरण नहीं हुआ, यानी कि भारत को यूनानी रंग में नहीं रंगा जा सका। तो इस तरह से दोस्तों हम ये देखते हैं कि सिकंदर का जो आक्रमण था भारत पे, वो कई मायनों में महत्वपूर्ण था और आगे चल करके हम ये देखते हैं कि उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेशों में कुछ जो यवन क्षत्रप थे उनका प्रभाव बना रहा और उन्होंने भारतीय राजनीति को प्रभावित किया, यहाँ की कला संस्कृति को प्रभावित किया। तो मुझे उम्मीद है कि आज की ये संक्षिप्त सी चर्चा आपको
निश्चित रूप से पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई हो तो आप इस चर्चा के बारे में कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।